स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8 के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इसमें 4.2 एक्सरसाइज में क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स एंड टू डायगोनल्स आर गिवन। फर्स्ट में क्या था, एक डायगोनल दिया हुआ था। अब सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, दो डायगोनल दिए हुए हैं। तो हमारे 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो डायगोनल दिए हो तो कैसे सॉल्व करना है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT। तो वैसे ही सबसे पहले एक रफ फिगर बनाओ, क्वाड्रिलेटरल LIFT, और इसमें जितनी मेजरमेंट्स दी हुई है यहाँ से फिल करो। LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। LF हमारा क्या है, डायगोनल, वो क्या दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आई टी भी हमारा डायगोनल है और वो क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोनों में से कोई भी एक डायगोनल चूज कर लीजिए। जैसे मैंने LF चूज़ किया, आप इसमें IT भी ले सकते हैं। LF स्केल की हेल्प से आपको LF ड्रॉ करना है, जिसकी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। अब वैसे ही LF के जो ऊपर पॉइंट वो T है, ऊपर T राइट कर दीजिए, नीचे जो पॉइंट वो क्या है I है, नीचे I राइट कीजिए। उसके बाद L से T तक की जो मेजरमेंट्स हैं वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको जो आर्क है वो ड्रॉ करनी है कंपास की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, F से लेकर T तक F और T की मेजरमेंट नहीं दी हुई, आप एक बार ड्रॉ नहीं करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मीट कर दीजिए। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें देखिए L और I, LI की मेजरमेंट है 4, तो 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कीजिए। IF, I और F की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर दी हुई, तो कंपास की हेल्प से यहाँ 3 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा हुआ ये पॉइंट हुआ I पॉइंट। अब सारी मेजरमेंट्स ड्रॉ कर ली है, लास्ट जो मेजरमेंट हमारी रहती है वो है IT 4 सेंटीमीटर। तब आपको क्या करना है, आई पर कंपास का पॉइंट रख के और 4 सेंटीमीटर की आर्क को ड्रा करना है यहाँ तक, मतलब वो जहाँ भी मीट करे। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा इसको ऐसे मीट करना और इसको इससे, तो ये जो हमारा डायगोनल होगा ये 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट टी, ये पॉइंट आई, और आई और टी की जो मेजरमेंट वो क्या हुई 4 सेंटीमीटर। लास्ट में आप सारी मेजरमेंट्स इस पर राइट कर दीजिए, LT 2.5 सेंटीमीटर इसकी दी नहीं हुई। तो इस तरह आप दो डायगोनल्स दिए हो तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने LIFT क्वाड्रिलेटरल करवा दिया है, क्वाड्रिलेटरल GOLD सेम उसी तरह आपको ड्रॉ करना है। अब मैं थर्ड करवा रही हूँ रोम्बस BEND। तो आप कंस्ट्रक्शन भी अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे जैसे 4.1 में करवाई थी। तो BEND में क्या दिया हुआ है, BN और DE दिए हुए, जो दोनों क्या है डायगोनल है। अब जब दोनों डायगोनल दिए हुए हैं तब क्या करना है, तो इन दोनों में से कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स ड्रॉ द डायगोनल BN 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें इस लाइन का करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है। उसके बाद यहाँ से जो भी आपकी मेजरमेंट होगी एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करनी और एक यहाँ, वैसे ही नीचे भी आपको एक बी से और एक एन से, और दोनों को क्या करना है फिर उन लाइनों को मीट करना है। नेक्स्ट अब क्या दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, जो हमारा दूसरा डायगोनल दिया हुआ है। दूसरे डायगोनल का क्या करना है, उसका हाफ करना है। हाफ करेंगे तो वो होगा 3.25 सेंटीमीटर। 3.25 सेंटीमीटर ओपन करना है कंपास को और फिर आर्क ड्रॉ करनी है एक इस पॉइंट पे, दूसरी यहाँ से यहाँ पर, और फिर ये सारी लाइनों को क्या करना है यहाँ से मीट करना है। इस तरह जो आपका रोम्बस है BEND वो ड्रॉ हो जाएगा। तो जो ये आपकी मेजरमेंट होगी ऊपर से 3.25 है, नीचे से भी 3.25, तो जो हमारा दूसरा डायगोनल वो क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो हमारा डायगोनल क्या हुआ BEND। इस तरह आप रोम्बस के अंदर अगर दो डायगोनल दिए हुए हैं तो पहला डायगोनल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे यानी हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करके,
यहाँ से अर्क्स ड्रॉ करेंगे और लाइन को क्या करेंगे, मीट करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी दूसरा डायगोनल दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे, हाफ। हाफ करने के बाद इस पॉइंट पर पुट करके एक यहाँ आर्क लगानी है और एक यहाँ, और उसको क्या करना है, मीट, और फिर उसकी मेजरमेंट्स लेंगे कि वो 6.5 सेंटीमीटर है या नहीं। इस तरह आप 4.2 के तीनों क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे।